फ्रांस के सदर एमैनुएल मैक्रोन ने इंतखाबात से दो दिन पहले इंतहाई दायबाजू की रहनुमा मेरियन लीपेन पर अपनी बढ़त 14% कायम कर ली है ये बात एक सर्वे में सामने आई है 2020 तक 22 अप्रैल के दौरान ओवेपेन वे और क्या पार्टनर्स फॉर लेस एक्वास के एंड रेडियो क्लासिक के जरिए कराए गए 2329 लोगों के सर्वे के मुताबिक सत्तावन फीसद अवाम मैक्रॉन को वोट देने को तरजीह देंगे जबकि तिरियालीस फीसद है पहले राउंड के अख्ताम तक मैक्रोन को पांच से भी कम हासिल थी लेकिन इंतहाई बाजू के रहनुमा जैन लॉक मेलिकॉन ने अपने हामियों पर जोर दिया कि वो लीपेन के खिलाफ वोट दे बहुत से दूसरे बाजू और सब्स उम्मीदवारों ने मैक्रोन को हिमायत की है जबकि बाजू ने लीपेन का साथ दिया सर्वे से पता चलता है कि मेलिकॉन ने हामियों में से चौपन फीसद ने मैक्रोन को वोट दिया जबकि तेईस फीसद ने लीपेन को वोट देने का फैसला किया इंतहाई दाएबाजू के इरक जैमूर भी बिलतरतीब अठासी फीसद और छह फीसद के तनासब से अपने वोटरों को लीपेन और मैक्रोन के दरमियान तकसीम कर सकते हैं